हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो ब्रेकफास्ट रेसिपी है। आलू का पराठा है, बट एक डिफरेंट स्टाइल से। ये पराठा हम कढ़ाई में बनाने वाले हैं और इसके लिए मैं पहले ही आपको आटा कैसे लगाते हैं वो बता चुकी हूँ। ये देखिए, मैंने सॉफ्ट सा आटा लगाया हुआ है, कुछ नहीं है इसमें। 1 कप आटा लिया है, सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से, नमक आपको डालना है और थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर गूंथ लेना है। और उसके बाद 1-2 टीस्पून जो ऑयल है वो लेके उसको चिकना कर लेना है। लेकिन इसको आटे को आपको 10 से 15 मिनट ढक कर रखना है, तो आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है, अच्छा होता है। ये मैंने बॉइल्ड आलू ले लिए हैं, आलू को उबाल लिया है और उसको बाद में ग्रेट कर लिया है। ठंडा करने के बाद ग्रेट किया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो आलू जब भी आप कुकर में से निकालें उसको कढ़ाई वो सॉरी प्लेट में बाहर निकाल लें, ठंडा होने दें, फिर छीलें, फिर ग्रेट करें। ये मैंने 1 बिग अनियन को फाइनली चॉप कर लिया है, 1 प्याज को, 1 हरी मिर्च डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, मैंने सॉल्ट लिया है, आपके टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये मैंने चाट मसाला 1/2 टीस्पून लिया है, अमचूर पाउडर 1/4 टीस्पून लिया है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला है, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर है और 1/4 टीस्पून रेड चिली है। ये भी आप स्किप कर सकते हैं अगर आप स्पाइसी नहीं खाते हैं तो। ये सब हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले, साथ में प्याज डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और टेस्ट करके देखेंगे। अगर आपको किसी चीज की कमी लगती है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, मैंने टेस्ट करके देखा है, नमक कम था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है और ये इस टाइप से बाइंड हो गया है। जब आप पराठे बनाएं तभी आप नमक वगैरह इसमें मिलाएं और बनाना शुरू करें। मेरे पास हरा धनिया आज नहीं है, आप बारीक हरा धनिया काटकर इसमें डालेंगे तो और भी सुंदर लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लोई तोड़ेंगे आटे की और इसको अच्छे से, जितना आपको मोटा बनाना है, जितना बड़ा बनाना है उतनी आप आटे की लोई लें। और इधर हमने ये सूखा आटा रख रखा है, इसमें हम इसको डस्ट करेंगे और इसको बेलेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको, हल्का सा ही, आप हाथ में भी बढ़ा सकते हैं। और जो आलू की बॉल है, जो फिलिंग हमें करनी है, भरनी है इसके अंदर अच्छे से, जितनी ज्यादा आप भरना चाहें ऐसे इसको रखेंगे। मैंने रेड चिली भी कम डाली है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसको पैक करेंगे, पैक करने के बाद हम इस टाइप से इसको बढ़ाएंगे, बीच में से भी ऐसे कर लेंगे और इसको बेलेंगे। जितना मोटा पतला आप खाना चाहते हैं उतना बेलें। फिलिंग अच्छी भरी हुई है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। ऐसे हम सारे पराठे बेल लेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये बेल गया है, अब हम इसको सेकते हैं। ये कढ़ाई को देखिए, हमने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है, ऑयल या घी आप ऐसे लगा लीजिए ताकि पराठे चिपके नहीं। इसको गैस को हम ऑन कर दिए हैं, ये गर्म हो गया है हल्का सा और ये अब हम इसमें पराठा डाल देंगे ऐसे कढ़ाई में। अब हम पराठा डालने के बाद, अगर आप घी से बनाना चाहते हैं, देखिए घी से बना रही हूं मैं, आप ऑयल चाहें तो ऑयल से भी बना सकते हैं। तो इसके किनारे में हम थोड़ा थोड़ा ऐसे घी डालेंगे, बिल्कुल डीप फ्राई भी नहीं होगा, बट पराठा आप देखिएगा कितना अच्छा बनता है, एक डिफरेंट टेस्ट आता है। ऐसे ही हम दूसरा जो पराठा है ऐसे बेलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है, उसमें आप ऐसे मसाला रखिए, बॉल बना के रखिए जैसे आप चाहें, और इसको पैक करें, सील करें, सूखा आटा लगाएं और इसको हाथ से पहले थोड़ा बढ़ा लें। अगर आप हाथ से नहीं बढ़ा सकते हैं तो आप बेलने से भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो जरूर कीजिए। और ये भी पराठे एक आप डिफरेंट बनते हैं, आप कहेंगे तवे में और इसमें क्या फर्क है, वो जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है इसमें। तो ये भी हमारा बिल गया है, आइए चेक कर लेते हैं दूसरा पराठा कैसा बना है। अब हम इसको पलटेंगे, वाओ लुक एट द कलर,
और खुशबू, क्योंकि देसी घी में बन रहा है तो बहुत अच्छी खुशबू है। ऐसे ही हम एक चम्मच घी इधर से डाल देंगे। आप देख रहे हैं ये डीप फ्राई नहीं है, इट्स नॉट डीप फ्राई। ये पराठा बहुत अच्छा, अभी हम दोनों तरफ से इसको अच्छे से सेकेंगे और बहुत इजी है, बिल्कुल नहीं चिपकेगा अगर आप पहले से ऑयल लगा लेंगे तो। ये देखिए इधर से भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए आप, स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें पकाना है और ये आप देख सकते हैं इसके आप ये किनारे देखिए। आप तवे पर जब बनाते हैं तो इस टाइप से नहीं होता है पराठा, किनारे से थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको सेकना, और इस टाइप से हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको सेकेंगे। ऐसे आप पोटैटो मैशर से भी इसको हल्का सा प्रेस कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। और आप यहां देखेंगे कि जब हम तवे पर बनाते हैं, घी से पराठा बनाते हैं, तो वो बहुत धुआं निकलता है। बट मैं ये पहली बार देख रही हूं कि कढ़ाई में अगर हम घी लगा रहे हैं तो इससे धुआं नहीं हो रहा है, और ये बहुत अच्छा है। बाकी चॉइस आपकी है, आप उसको घी से बनाना चाहें, ऑयल से बनाना चाहें, कितना क्रिस्पी करना है वो भी आप देख सकते हैं। मुझे लगता है ये अब परफेक्ट है, तो मैं इसको निकाल लेती हूं और दूसरा पराठा डालती हूं। तो ये अब हम दूसरा पराठा डाल देंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है, और इसको भी हम पहले वाले पराठे की तरह सेकते हैं। जब ये हल्का कलर चेंज हो जाए तो हम इसके साइड में से घी डाल देंगे एक चम्मच, और आप इसको पनीर का बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको मिक्स वेज बना सकते हैं, किसी भी टाइप का कढ़ाई पराठा आप बना सकते हैं। बस आटा बहुत अच्छा लगा होना चाहिए, उसमें सॉल्ट वगैरह आप चेक कर लीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए, और हम दोनों तरफ से सेकेंगे इसको, पहले उधर से करते हैं, और ये हम एक चम्मच घी इधर से डाल देते हैं और इसको सेकते हैं। तो अब हम पलट कर देखते हैं। ओह माय गॉड, क्या कलर है, क्या क्रिस्पी है, बहुत टेस्टी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। आप ये यूज कर सकते हैं पोटैटो मैशर, इससे हल्का सा आप प्रेस करें, बहुत क्रिस्पी, बहुत यम्मी, जरूर ट्राई कीजिए। तो अब ये परफेक्ट है, देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छा सिक गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, हमने अपने पराठे बटर से सुसज्जित कर दिए हैं, साथ में आम का अचार है, आप दही ले सकते हैं, कोई भी चटनी ले सकते हैं, और मैं अब वेट नहीं कर सकती इनको टेस्ट करने के लिए। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।